अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन मांदे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही मज़ेदार है। इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है, तो मैं इसको सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी। ये देखें, इसका चिकन भी बहुत सॉफ्ट है और इसके साथ जो चटनी है उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैं तकरीबन हाफ कप जो है कुकिंग ऑयल का डालूंगी। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो इसके अंदर दो अदद प्याज काट के वो डाल दें। एक से दो मिनट प्याज को फ्राई होने दें। उसके बाद इसके अंदर दो से तीन अदद टमाटर जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच वो डाल दें। अब इसको मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें जो इसमें अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। अब इसके अंदर नमक एक खाने का चम्मच या हसबे ज़रूरत आप डाल दें। दो से तीन अदद हरी मिर्चें, तीन से चार अदद सुरख मिर्च साबित वो डाल दें। इसके अंदर मैंने काली मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा जो है पिसा हुआ 1 टीस्पून, और काली मिर्च 1 टीस्पून वो इस्तेमाल की है। इस तरह से जब सॉफ़्ट हो जाए तो उसके अंदर चिकन के पीसेस जो हैं वो डाल देंगे। 6 पीसेस मैंने इस्तेमाल किए हैं, वो डाल के उनको अच्छी तरह भून लेंगे। जब एक साइड पक जाए तो इसको दूसरी साइड से टर्न करेंगे, दोनों साइड उसकी जो है पका लेंगे। दो ग्लास चावल जो हैं इसके लिए मैंने यूज़ किए हैं, उनको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिए। काली मिर्च जो है इसके अंदर थोड़ी सी आप और शामिल कर सकते हैं। मसाले जो हैं इस टाइम पे आप इसके अंदर कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर लें। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे, उसके लिए मैंने तिक्का मसाला लिया है, क्योंकि उसका चिकन जो है बिल्कुल सादा सा होता है, सिंपल होता है। बाज़ लोगों को वैसा पसंद है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करूँगी। इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और तिक्का मसाला जो है वो डाल दूँगी, और दो अदद लेमन जूस डाल के इसको मिक्स करेंगे। चिकन के अंदर चावलों के हिसाब से और चिकन के हिसाब से पानी मैंने डाला है। दो ग्लास चावल हैं तो तकरीबन इसके अंदर मैंने 5 ग्लास जो है पानी डाला है। 5 ग्लास पानी डाल के इस तरह से चिकन को इसके अंदर डिप करें और लो टू मीडियम आग पे कवर करके इसको पकने दें। ये देखें, जब अच्छी तरह से पक जाए, चिकन भी सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह इसकी जखनी निकल चुकी है, अब चिकन जो है वो इसमें से निकाल लेंगे। इसको बेकिंग ट्रे में लगाएंगे। और दो अदद प्याज जो थे उनको मैंने फ्राई किया हुआ था, इस टाइम पे यखनी के अंदर फ्राई प्याज डाल देंगे और साथ ही इसमें चावल डाल दें। मसाला जो हमने लगा के रखा था वो सारा चिकन पे लगा देंगे। अच्छी तरह से इस पर कोट कर दें और ओवन को प्री हीट कर दें, और इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैं बेक होने के लिए रखूँगी। इसके साथ टमाटर की चटनी जो है वो सर्व करें, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। छुरी की मदद से आप हल्का हल्का इस पे जो है कट लगा दें। अब इसको मैं ओवन में रख दूँगी। चावल जो है हमारे तकरीबन तैयार हैं, ये देखें उनका पानी ड्राई हो चुका है। पानी जब ड्राई हो जाए तो उसको मैं दम पे रख दूँगी। और चिकन भी हमारा तैयार है,
15 से 20 मिनट मैंने इसको बेक किया है। अब इसको चावलों के साथ सर्व करेंगे। मज़ेदार चावल जो हैं तैयार हैं। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।